स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खास है। और ये वीडियो बनाई क्यों है मैंने, बिकॉज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं पंथ नाम के भाई जी, इन्होंने बताया मेरे को कि भाई एक इनकी कंफ्यूजन है, जो डब्ल्यू कंपनी के चैंपियनशिप है सारी, यानी कि डब्ल्यू चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, भाई कितने सारे टाइटल इनके पास है डब्ल्यू कंपनी के पास। तो सारी कंफ्यूजन भाई हमारे पंथ भाई को भाई से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, देखिए अगर आप भी चाह रहे हैं आपकी वीडियो बने तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो तो आपके लिए फ्री बना दी मैंने बिकॉज आप हमारे सब्सक्राइबर। लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहेंगे वैसे बनाएंगे हम, मेंबर्स लाइव चैट करेंगे, रूम बनाएंगे, खतरनाक मजा करेंगे। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमको तो ज्वाइनिंग बटन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे कल्टो रेसलिंग पर। आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो, जिस तरह की मेंबरशिप आप लेना चाहो। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स रोल द टेप। अब देखिए सबसे पहले बात करें डब्ल्यू चैंपियनशिप की, भाई सबसे पहले कंफ्यूजन क्या है। देखिए कंफ्यूजन लोगों को बहुत होती है बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने हरकतें कुछ इस तरह से करी है। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने पहले चैंपियनशिप बनाई, उसके बाद वर्ल्ड टाइटल को मर्ज कर दिया गया, उसके बाद यूनिवर्सल टाइटल आया, उसके बाद यूनिवर्सल टाइटल को डब्ल्यू चैंपियनशिप मर्ज कर दिया गया, उसको अनडिस्प्यूटेड बना दिया गया, फिर उसमें से यूनिवर्सल चैंपियन निकाल दिया। तो बड़ी सारी कंफ्यूजन है, लेकिन सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सो पूरी वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा भाई, अगर छोटी मोटी चीजें देखने आया तो भाई आपको मजा नहीं आने वाला। सो अब मैं बताने वाला हूं भाई पूरी हिस्ट्री क्या है, और आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर आप डब्ल्यू कंपनी को देखते हैं, उनके फैन हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, आज के बाद किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफ्यूजन तो आपकी मैं अभी दूर कर दूंगा। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की, देखिए यहां पर बात करें हम डब्ल्यू चैंपियनशिप की, यानी कि जो मेन टाइटल है डब्ल्यू कंपनी का, जिसको हम कहते हैं WWE चैंपियनशिप, ये 1963 में प्रेजेंट किया था डब्ल्यू कंपनी, यानी कि ये बहुत पुराना टाइटल है। एक तरह से ये सोल है इस कंपनी की, जो आप जिस तरह से देखते हैं डब्ल्यू कंपनी का नाम है उसी नाम की टाइटल है, दूसरी तरफ जिस कंपनी का नाम होता है उसी कंपनी की टाइटल होती है। तो डब्ल्यू कंपनी का जो मेन टाइटल है वो यही है, जिसको हम WWE चैंपियनशिप का नाम दिया गया है, और यही मेन टाइटल रहेगा हमेशा के लिए, भले ही कितने भी वर्ल्ड टाइटल डब्ल्यू कंपनी आगे लॉन्च कर दे, कोई कुछ नहीं होने वाला। जो मेन टाइटल है वो WWE चैंपियनशिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। अब दोस्तों बात करें, एक ही टाइटल था, जी हाँ एक ही टाइटल था डब्ल्यू कंपनी के पास, और कोई भी टाइटल नहीं था तब। और आई थिंक इसके अलावा मिड का टाइटल था उसकी बात नहीं करेंगे, जो वर्ल्ड टाइटल था यानी कि जो मेन चैंपियनशिप थी डब्ल्यू कंपनी के पास वो WWE चैंपियनशिप थी, जिसको अलग अलग तरह से डिजाइन किया गया, उसके बाद उसको विनिगल टाइटल बना दिया गया, उसके बाद बहुत सी चीजें हुई डब्ल्यू चैंपियनशिप के साथ। लेकिन WWE चैंपियनशिप का नाम हमेशा से WWE चैंपियनशिप ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, कोई अनडिस्प्यूटेड नहीं, कुछ नहीं, ओरिजिनल जो WWE चैंपियनशिप था वही नाम था। लेकिन दोस्तों यहां पर बातें तब पलट जाती हैं जब WCW कंपनी को विंस मैकमैन पूरी तरह से खरीद लेता है, जी हाँ यानी कि WWE कंपनी ने WCW कंपनी को पूरी तरह से ओन कर लिया, उनके हर एसेट पर WWE कंपनी का कब्जा हो गया, विंस मैकमैन का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। और इसमें इंक्लूड ना कि सिर्फ WCW कंपनी के सुपरस्टार थे, आपको पता ही होगा WCW कंपनी के जितने भी सुपरस्टार थे कुछ वो WWE कंपनी के ही थे, कुछ वो नहीं थे, वो सारे के सारे आपको WWE कंपनी में आते नजर आ चुके हैं, हिस्ट्री आपको पता ही है क्या है इन दोनों की। लेकिन दोस्तों यहां पर बात करें द मेन टाइटल ऑफ WCW यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग, यानी कि WCW कंपनी का भी एक टाइटल था जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जी हाँ ये जो टाइटल आप देख रहे हैं लेजेंडरी बिग गोल्ड बेल्ट जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, ये WCW कंपनी का टाइटल था। जिस तरह से WWE कंपनी की थी WWE चैंपियनशिप, उसी तरीके से WCW कंपनी का था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, यानी कि मेन जो वर्ल्ड टाइटल था दोनों कंपनी के वो ऐसे थे। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, विंस मैकमैन ने पूरी तरह से WCW कंपनी को खरीद लिया था, सारे शेयर, सारे टाइटल, सारे सुपरस्टार विंस मैकमैन के कंट्रोल में आ गए थे, यानी कि WWE कंपनी के कंट्रोल में आ गए थे। तो यहां पर आता है साल 2002, यहां साल 2002 में WWE कंपनी ने सबसे पहला ड्राफ्ट किया था, रो स्मैकडाउन को अलग अलग कर दिया था, यानी कि ब्रांड स्प्लिट कर दिया था। जिस तरह से आज आप देखते हैं कि रो अलग है स्मैकडाउन अलग है, उसी तरीके से उस समय शुरुआत हुई थी नंबर वन पर 2002 में एटीट्यूड एरा नाम से हुई थी, जब आई थिंक एटीट्यूड एरा खत्म हो गई थी और रूथलेस एग्रेशन एरा शुरू हो गई थी, तब यहां पर ड्राफ्ट की शुरुआत हुई थी, रो स्मैकडाउन अलग चले गए थे। यहां पर दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर रॉक को हरा के बन गए थे WWE चैंपियन, यानी कि उस समय अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बोला गया था इसको, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। जो टाइटल था वो ब्रॉक लेसनर के पास चला गया था, यानी कि ब्रॉक लेसनर मूव कर दिए गए थे स्मैकडाउन में। अब यहां पर रो स्मैकडाउन अलग अलग था,
लेकिन टाइटल सिर्फ ब्रॉक लेसनर पर था और ब्रॉक लेसनर को स्टेफनी मैकमैन ने स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट करवा दिया था, यानी कि मंडे नाइट रो के पास अब कोई भी टाइटल नहीं था, विदाउट टाइटल मंडे नाइट रो थी। यहां पर आता है भाई मेन ट्विस्ट, मेन टर्न, बिकॉज यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि विंस मैकमैन ने WCW कंपनी को खरीद लिया था, टाइटल भी खरीद लिए थे, वही यहां पर ट्विस्ट टर्न हो जाता है। एरिक बिग्शो यहां पर ट्रिपल एच को बना देते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, द फर्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फ्रॉम WWE। वही से शुरुआत होती है दोस्तों ब्रांड स्प्लिट की, वही से शुरुआत होती है अलग अलग चैंपियनशिप की। उसके बाद WWE चैंपियनशिप अलग थी और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अलग थी, यानी कि WWE कंपनी के पास दो वर्ल्ड टाइटल थे, यानी कि एक WWE चैंपियनशिप का मेन टाइटल, उसके बाद एक सेकेंडरी टाइटल जो ऑलरेडी एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप था, बहुत बड़ा टाइटल था। और हमेशा से ही मैं आपको सही कहूं, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो हमेशा से डोमिनेट करता आ रहा है WWE चैंपियनशिप को, बिकॉज जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसको मीनिया में ज्यादा मेन इवेंट करवाया गया, उसको बहुत बड़े सुपरस्टार ने जीता है। आप समझ सकते हैं किन किन ने जीता, अंडरटेकर, एज, बटिस्टा, मार्क हेनरी, रेंडी ओर्टन, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, WWE चैंपियनशिप भी जीता, लेकिन जो मेन टाइटल थी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी, जो हमेशा से WWE चैंपियनशिप को डोमिनेट करती आ रही थी 2002 से लेकर 2010 के आसपास या 2012 तक, इतने साल तक। यहां पर दोस्तों चीजें मेंटेनेंस पे चल रही होती हैं, अलग अलग ब्रांड स्प्लिट पे अलग अलग टाइटल हो रहे हैं, वर्ल्ड टाइटल अलग है, WWE चैंपियनशिप अलग है। लेकिन दोस्तों यहां पर आता है साल 2013, जी हां आपको याद हो अगर आप उस समय की WWE कंपनी को देखते हो, साल 2013 में चैंपियन होते हैं द वाइपर रेंडी ओर्टन, यानी कि रेंडी ओर्टन होते हैं WWE चैंपियन, और यहां पर अगेंस्ट होते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना। तो ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं एक मैच के लिए, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी चीज हो जाती है बिकॉज ये टाइटल ऑन द लाइन रख देते हैं दोनों के दोनों, यानी कि इनका जो मैच होने वाला था अब बन जाता है टाइटल यूनिफिकेशन मैच। एक लैडर मैच था 2013 में हुआ था TLC के अंदर, और दोस्तों उस मैच के अंदर जो भी जीतता वो बन जाता WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, यानी कि दोनों टाइटल को मर्ज करके एक चैंपियन बन जाता, दोनों के नाम एक हो जाते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो द वाइपर रेंडी ओर्टन ने जॉन सीना को हरा के TLC मैच में, लैडर मैच में सबसे पहले जीती थी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई रेंडी ओर्टन इज द फर्स्ट मैन हु विन बोथ टाइटल इन सेम सिचुएशन। तो यहां पर द वाइपर बनते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब ये दोनों टाइटल ऐसे ही चलते हैं मर्जिंग, मतलब दोनों टाइटल तो एक हो गए थे, दोनों टाइटल अलग अलग थे, एक नहीं था, WWE चैंपियनशिप अलग थी, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अलग थी, लेकिन दोनों टाइटल अब एक साथ डिफेंड हो रहे थे, एक साथ चल रहे थे, एक साथ ही आगे चल रहे थे। लेकिन यहां पर दोस्तों आता है साल 2014, जब मैच हो रहा था ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का। अब इन दोनों के मैच में स्टिपुलेशन थी जो जीता भाई वो टाइटल जीत जाएगा। तो यहां पर ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को हरा गए, बन गया न्यू वर्ल्ड WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और भाई यहीं से चीजें बवाल उठी, शुरू हो गई, बिकॉज अगले ही मंडे नाइट रो के अंदर ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को गिफ्ट करी एक न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। आप देख सकते हैं ये चैंपियनशिप थी जो एक सिंगल टाइटल बन गई थी, जिसको सबसे पहले होल्ड कराता था बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने साल 2013 के अंदर, और ये चैंपियनशिप को भाई एक मेन चैंपियनशिप की तरह प्रेजेंट किया गया। इसके बाद उसको बहुत लोगों ने जीता है, सेथ रॉलिंस ने जीता है, अच्छा प्रेस्टेज बनाया। लेकिन दोस्तों यहां पर चीजें रिपीट हो जाती हैं 2016 के अंदर, जो 2002 में हुई थी। 2016 के अंदर दोबारा से WWE कंपनी ने ड्राफ्ट शुरू कर दिया, रो स्मैकडाउन अलग अलग हो गए, लेकिन इस बार कंडीशन थी भाई कौन बनेगा WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, यानी कि किस ब्रांड के पास टाइटल जाएगा जो मेन टाइटल है। यहां पर मैच होता है समर स्लैम से एक ये भी पहले बैटल ग्राउंड के अंदर द शील्ड का मैच हो रहा है, यानी कि रोलिंस अलग है, एम्ब्रोस अलग है, रिंग्स अलग है, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। इस मैच के अंदर डीन एम्ब्रोस बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, वो शिफ्ट हो जाते हैं स्मैकडाउन के ऊपर, और यहां पर दोबारा से साल 2002 की तरह मंडे नाइट रो के पास कोई टाइटल नहीं बचता एक दिखाने के लिए, यानी कि कोई वर्ल्ड टाइटल मंडे नाइट रो के पास नहीं था, जो था वो स्मैकडाउन के पास चला गया। अब यहां पे दोस्तों चीजें पलट जाती हैं, बिकॉज यहीं पर एंट्री होती है न्यू वर्ल्ड टाइटल की, जो मंडे नाइट रो को प्रेजेंट करना था, और यहीं पर रिवील होता है न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को फर्स्ट लुक दी जाती है। ये एक लाल कलर की टाइटल थी,
और आप देख सकते हैं दिस इज द यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो 2016 में फिन बैलर ने जीती थी। फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन था फिन बैलर जो सेथ रॉलिंस का मैच होता समर स्लैम के अंदर। तो यहां से दोस्तों यूनिवर्सल टाइटल की एंट्री हो जाती है 2016 के अंदर। अब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर तीन टाइटल हो गए थे देखा जाए तो अगर नाम के को नहीं, एक था डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, एक था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एक था यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप था और वर्ल्ड टाइटल था दोनों मर्ज होकर एक बन गया था लेकिन उसको अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा था और यूनिवर्सल टाइटल को अलग। देखा जाए तो भाई तीन टाइटल एक कंपनी के अंदर, तो कंपनी ने जो डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप था उसको खत्म कर दिया, यानी कि जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल था उसको खत्म कर दिया, उसको रिटायर कर दिया। जी हाँ, रिटायर तो वो काफी टाइम पहले ही हो गया था, 2013 में ही हो गया था, बिकॉज 2013 में ओटन ने जीता, उसके बाद ब्रॉक लेसनर को मर्जिंग कर दी गई छोटी चीज। लेकिन 2016 के अंदर जब यूनिवर्सल टाइटल आ गया था तब यूनिवर्सल टाइटल को वर्ल्ड टाइटल के साथ देखा गया और जो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप बनाया गया, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल उस नाम में से काट दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। यानी कि अब दोबारा से डब्ल्यू कंपनी अपनी पुरानी चीजों पर आ गई थी, जो डब्ल्यू चैंपियनशिप था वो एक सिर्फ डब्ल्यू चैंपियनशिप रह गया था, उसमें से वर्ल्ड टाइटल निकाल दिया गया और दूसरी तरफ था यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब चीजें बिल्कुल सही चल रही थी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, कुछ सालों तक ये चलती गई, मतलब दोनों टाइटल अलग अलग थे, जो डब्ल्यू चैंपियनशिप था अलग था, यूनिवर्सल टाइटल अलग था। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा भाई यहां पर बवाल तब मचता है जब फ्यूड चल रही होती है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की, रेसलमेनिया 38 के अंदर दोनों टाइटल यूनिफिकेशन दोबारा से रिपीट होता है 2013 में हुआ था, यानी कि यूनिवर्सल टाइटल और वर्ल्ड टाइटल दोनों, सॉरी यूनिवर्सल टाइटल और डब्ल्यू चैंपियनशिप दोनों मर्ज हो जाती है, एक बन जाती है, जिसको नाम दिया जाता है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये चीज हुई। अब आपको पता है यूनिवर्सल टाइटल और डब्ल्यू चैंपियनशिप दोनों मर्ज हो गई थी, एक बन गई थी, जिसको बुलाया गया था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बिकॉज अनडिस्प्यूटेड का मतलब है एक लोता चैंपियन, एक लोता समझ रहे हो, तो उसका मतलब कोई वो नहीं, एक लोता चैंपियन था, रोमन रिंग्स बना था आपको पता ही नहीं। लेकिन 2023 के अंदर एक और चीज हो जाती है, दोनों टाइटल को मर्ज कर दिया जाता है दोबारा से, 2014 वाला रिपीट होता है ब्रॉक के साथ हुआ था, जो रोमन रेंस को एक नया टाइटल दिया जाता है जिसको बोला गया था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन दोस्तों ये कुछ चीजें थोड़े वक्त तक चली, बिकॉज यहां पर चीजें दोबारा से खत्म हो गई, यूनिवर्सल टाइटल हटा दिया गया। जी हाँ, यूनिवर्सल टाइटल को काट दिया गया नाम से। आई थिंक रेसलमेनिया 40 तक तो यूनिवर्सल टाइटल था, लेकिन उसके बाद तो भाई सभी ने यूनिवर्सल टाइटल का नाम लेना बंद कर दिया। अगर आप अभी देखेंगे कोडी रोड्स चैंपियन है, कोडी रोड्स को बुलाया जाता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, यानी कि वो WWE कंपनी का चैंपियन है, यूनिवर्सल टाइटल का नाम नहीं लिया जाता, बिकॉज WWE कंपनी ने यूनिवर्सल टाइटल को रिटायर कर दिया। जी हाँ, यूनिवर्सल टाइटल ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, बिकॉज दो टाइटल दिखे ही ना, वो रिटायर हो चुका है। इस समय WWE कंपनी के पास सिर्फ एक ही टाइटल है जिसको दिया गया नाम WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब यूनिवर्सल चैंपियन भी खत्म हो चुकी है, अब एक लोता बसता है WWE चैंपियनशिप, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 1963 से चली आ रही है, भले इसको मर्ज कर दो किसी के साथ, लेकिन ये टाइटल कभी भी अलग अलग नहीं होगी, ये आगे जाके एक ही बन जानी है, जो आज के समय में आप देख सकते हो एक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का नाम है। अनडिस्प्यूटेड हटा दो, ये एक नाम का है, लेकिन WWE चैंपियनशिप एक लोता नाम है इसका। तो दो चीजें WWE कंपनी ने 20 साल पहले शुरू कर दी, आज भी वही है सेम, कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जो हमारे पंत भाई को कंफ्यूजन थी वो ये थी भाई, ये पूछ रहे थे मेरे से, जो WWE चैंपियनशिप है यानी कि जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, लेकिन जो गुंथर के पास टाइटल है वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, तो दोनों में क्या मतलब, दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई देखो, मैंने आपको बताया जिस तरह से पूरी कथा बताई मैंने आपको, जो WWE चैंपियनशिप है वो एक लोता चैंपियनशिप रह चुका है, यूनिवर्सल टाइटल हट चुका है, और जो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी वो 2013 या 2014 में ही खत्म हो चुकी है, समझ लो, बिकॉज वर्ल्ड टाइटल दिखानी उसके बाद। जो गुंथर के पास टाइटल है ना वो एक कॉपी है, मतलब वो भी एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है जो 2002 में आया था, आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही टाइटल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है जो ऊपर वाला टाइटल है, जो गोल्ड वाला टाइटल है आप देख सकते हैं, जो बिग गोल्ड बेल्ट है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो WCW कंपनी का था ओरिजिनल बिग गोल्ड बेल्ट, लेकिन जो ये टाइटल आप देख रहे हो जो सेथ रॉलिंस को दिया गया था फर्स्ट एवर, ये एक कस्टम है, मतलब कस्टम का मतलब है एक टाइटल जिसकी नीड थी WWE कंपनी को रोस्टर के लिए, उसको बनाया गया है। ये पुराना वाला टाइटल नहीं, यहां नाम सेम है इसका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, लेकिन ये वो वाला टाइटल नहीं है जो पुराना था, लेकिन नाम है तो नाम है, लेकिन अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो एक न्यू टाइटल है। अगर आप वेबसाइट भी देखेंगे इनकी जाके, तो वेबसाइट में भी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसको 2023 में प्रेजेंट किया है, ना कि वो पुराना टाइटल है। सो देखा जाए ये टाइटल अलग है। सो WWE चैंपियनशिप अलग है और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अलग है। जो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी वो तो 2013 में ही खत्म हो चुकी है, 2014 में सॉरी, जब ब्रोक को एक नया टाइटल दिया था, उसके बाद ये चैंपियनशिप को खत्म कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया।
फिर 2016 में ड्राफ्ट हुआ, तब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप काट दी गई। सो अब जो आप देखते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है डब्ल्यू कंपनी का, जो कोडी रोड्स है वो अलग है, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है गुंथर वो अलग है। सो दोनों टाइटल अलग अलग है, लेकिन आगे जाके हो सकता है दोबारा से एक हो जाए। डब्ल्यू कंपनी है, कुछ भरोसा नहीं है, व्यूअरशिप के लिए कुछ भी हो सकता है। सो ये चीजें हैं, आई होप आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जो दोनों टाइटल हैं वो अलग अलग हैं, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो एक नाम है जो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप टाइटल की बात करोगे तो ओरिजिनल टाइटल था वो खत्म हो चुका है पहली, समझ लो एक तरह से। ये एक कस्टम टाइटल है जो गुंथर के पास है, इसको इतना प्यार नहीं दिया गया जितना पुराने टाइटल को दिया गया था, समझ लो एक तरह से। तो सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड प्लीज गौर करना मेरी बात पर, ज्वाइन करें हमें फास्ट टू फास्ट यूट्यूब पर कल्ट ऑफ रेसलिंग को। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो द कल्ट ऑफ रेसलिंग।